मुझे सुनो बात करेंगे, मैं कौन होता कि अपने पूर्व मछली बात कर सकूं। अल्लाह ने हम सब पर इतना करम किया, उसका शुक्र अदा कर सकते। आप जब 88 में तशरीफ लाए तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। आपने ये सब आपकी बार है, ये सब आपका फैसला आज ठाठे मार रहा है, तो हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। आप तो उसकी अभियारी कर रहे हैं उस बाग की जो बाग आपने लगाया। मेरी तो ये कुछ हालत थी दोस्तों के, अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ से हम खानदानी नौकर हैं। बाबा जी साहब रहमतुल्लाह भी हमारे उधर घर में तशरीफ ले गए, सानी पाक भी, लास्ट सानी पाक मौजूदा साहब के साहब जी भी। और मैं बचपन में इधर आ गया था तो कुछ इस तरह के हालात थे यहाँ के माशरे में, वो उधर तवज्जो ना रही। कभी पाकिस्तान में गया, उस पाक में भी गया, हमारे साहब जाया करते थे हमेशा उस पाक में, मुझे भी साथ ले जाया करते थे। तो चलो भाई अब बहुत देर है, मुलाकात भी चलो होगी, ज्यारत होगी, तो इस तरह के मेरे मामला थे। जब पहली बार यहाँ पे सब तशरीफ लाए 1988 में, तो सब दोस्तों को ख़त मिले, हमें भी ख़त मिला। तो उसी दिन सुबह भी ये ऐसी बातें नहीं करने वाली कि मैं कोई नमाजी बाजी था नहीं, जुम्मा भी बड़ी मुश्किल से कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। तो उस दिन सोचा गुस्सा करूँ, साफ सुथरे कपड़े पर आए, मेरे पीर साहब आ गए, मेरे वाल साहब पीर साहब आ गए, जहन में ये था। तो मैं एयरपोर्ट पर पहुँचा, आपकी चेयर मुबारक देखा, तो बस यूँ समझो कि फिर आपसे जुदा होने को जीना चाह। वहाँ आपके पीछे हम लोगों ने जोर भी पड़ी, असर मगरब शाह, फिर हम आ गए। तो आपने करम फरमाया, मुझे अपनी गुलामी में भी ले लिया। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो अब याद नहीं कि मैं कितनी बार मेरे पास जा चुका हूँ। फिर कुछ करम आपने बस एक ही बात बताई, अगर रुजू रखना है तो उधर, बस यही जिंदगी है। और मैं आप सब दोस्तों के लिए यही दुआ करता हूँ कि इसी रास्ते में हमें अल्लाह ताला लगाए रखे। पानी दुनिया है, पता नहीं कब चले जाना है, और ये जो रास्ता मैं फिर मुझे दिखा गया है ना, इसको छोड़ना नहीं है। तो करमात की तो बात अक्सर आपने सुना होगा पीर साहब की, जब आपकी पैदाइश हुई तो बाबा जी साहब ने फरमाया कि वली के घर में वली पैदा हुआ। और आपने ये भी फरमाया कि फैज की तो यहाँ कमी नहीं, अगर तो मैं किसी को अपने जाप जा देखता हूँ तो मेरे भी मुश्किल है। तो यहाँ दोस्तों आप यहाँ आए ना, तो मेरे मामू साहब बड़ी उनके साथ बड़ी मोहब्बत पीर साहब किया करते थे, तो बल्कि आप भी उनसे मुहबत करते थे। बाबा जी साहब के मरीज थे आप, तो राजा रियाज साहब के वालिद, तो बड़ी खुली सी बात थी। तो उनके घर में दावत थी, तो उनको कोई परेशानी थी अपनी बेटी की, पहले तो पता यहाँ के बच्चे वो काफ़ी पढ़े लिखी थी, डिग्री होल्डर थी, तो वहाँ उन्होंने अपने भाई से वादा किया हुआ था, अपने भतीजे से शादी कर दी जिसकी तारीफ वगैरह कुछ ना थी, वो मिडिल भी नहीं था, तो वो कुछ वह मसला था। फिर वो उनका वीज़े का बड़ा मसला, दो तीन चार था अकेले हुई तो वो फारग हो गई। बल्कि जब पीर साहब का दौरा था तो उस वक्त भी एक अपील उनकी फारग हुई, मतलब खारिज हुई, तो उन्होंने कहा कि अपील गैर वगैरह वगैरह। अब मामू साहब ने ऊपर कमरे बैठे हुए पीर साहब मौजूद थे, तो उन्होंने बिल्कुल सादा सवाल कहा, पीर साहब मेरे लिए दो दुआ करें, या तो मैं मर जाऊँ तो या मेरा दामाद जो है वो इधर आ जाए। आप यकीन जाने कि वो जो उन्होंने कहा था ना कि वो अपील है वगैरह, वो सब उधर की उधर रह गई। आप मौजूद थे, उन्होंने उधर खत लिखा कि आके वीज़ा ले जाओ, और सब मौजूद थे वो आ भी गया, उसका नाम अब्दुल करीम है। तो ये हमारे आपको देखिए, आप भी करवा है, और भी आपकी बहुत करवाते हैं, मगर मैं मुझे तो ये दुख ये है कि वक्त वक्त कम था आपके साथ। बस 88 में बैत ली और बस आप बहुत जल्दी पता घुमा गए, तो ये दुख तो सारी उम्र रहेगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस रास्ते पर डाला, अल्लाह ताला हमें उस पे कायम रखे, इंशाल्लाह वो रखे ही होंगे। वो आखिर